दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर अब्दू रोजिक एक बार फिर से काफी ज्यादा मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों अब्दू रोजिक इस समय घर के अंदर सृजिता डे और निमृत को परेशान कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं था कि निमृत और सृजिता आपस में बैठकर वॉशरूम एरिया में लगे हुए काउच पर बैठकर बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान वहां पर अब्दू रोजिक आ गए और अब्दू ने आकर सृजिता और निमृत को परेशान करने के लिए छिपकर अपने ब्रश से दीवार पर जोर जोर से मारने लगे। अब यहाँ पर टकटकी की ऐसी आवाज़ सुनकर निमृत और सृजिता को बड़ी हैरानी हुई और दोनों बड़ी हैरानी के साथ इधर उधर देखने लगे। दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह अजीब सी आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन इतने में सौंदर्या शर्मा ने पूरी पोल पट्टियाँ खोल दी और सौंदर्या ने कहा कि यह सब कुछ दीवार के पीछे छिपे अब्दू कर रहा है। और इस दौरान अब्दू को देखकर दोनों बुरी तरीके से हंस पड़ी। वहीं दोस्तों इसके बाद में अब्दू रोजिक ने यहाँ पर सृजिता डे को एक ताना मारा जिसके चलते सृजिता का चेहरा देखने लायक था। दरअसल अब्दू ने सृजिता को ताना मारते हुए पूछा कि तुम्हारी बीती रात कैसे निकली, तुम सो तो पाई थी ना चैन से। इस पर दोस्तों सृजिता ने पलटकर जवाब देते हुए कहा कि बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद तुम्हें तो काफी अच्छी नींद आई होगी, मेरी नींद की तुम परवाह मत करो। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि बीती रात को घर के अंदर कैप्टनसी का टास्क हुआ था और इस टास्क में सृजिता जीतते जीतते हार गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब्दू रोजिक इस टास्क में जीत गए और अब्दू रोजिक इस समय घर के कप्तान भी है, जिसके चलते सृजिता ने ये बात कही। फिलहाल आपको अब्दू की ये शरारत भरी मस्ती कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।